नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है सावन महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी, मतलब आज मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। देश के अमुक प्रदेशों में आज के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। वैसे सावन महीने में कुछ जगह कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ शुक्ल पक्ष के दिन भी मनाई जाती है। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लग जाए, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। सबसे पहले तो दोस्तों, नाग पंचमी का त्योहार मनाया ही जाता है नागों की पूजा के उपलक्ष्य में। कई बार हमारी लाइफ में हमने जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिससे हमारी कुंडली में काल सर्प योग लग जाता है। निर्जन स्थानों में, जैसे कई बार लोग बाथरूम जाकर के आ जाते हैं, कई बार महिलाएं अपने गंदे कपड़े निर्जन जगह पर फेंक देती हैं, कई बार नाग देवता जब ऐसे कपड़ों को क्रॉस कर जाते हैं जहां आपने गंदगी की है उस जगह को क्रॉस करते हैं, आपकी कुंडली में काल सर्प योग आता है। जाने अनजाने इस जन्म या पिछले जन्म आपके द्वारा नाग की हत्या हुई हो तो भी आपकी कुंडली में काल सर्प योग होता है। आज के दिन दोस्तों नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके पीछे यूं तो हजारों दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। कब, किसने, क्यों नाग देवता की पूजा की, सबकी एक अपनी अलग हिस्ट्री है। लेकिन मैं आपको जो सिंपल बात बताती हूँ, नाग देवता के प्रति जो भी दुष्कर्म हमसे इस जन्म या पिछले जन्म हुए हैं, उन दुष्कर्मों को दूर करने के लिए नाग पंचमी वाले दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमसे कोई दुष्कर्म हुआ है, हमारे पूर्वजों से भी कोई दुष्कर्म हुआ हो तो उसका फल हम भोगते ही रहते हैं। तो इसके लिए आज के दिन घर में नाग देवता की तस्वीर लाए या घर के आसपास जहां नाग देवता के मंदिर बने हो वहां जाकर के घी का दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, मीठा दूध उन्हें अर्पित करें, प्लस बाजरे के आटे में गुड़ मिला करके उसको अच्छे से, जैसे पंजीरी बनाई जाती है इस टाइप से उनका प्रसाद बनाया जाता है जो जाकर के नाग देवता को आज के दिन अर्पित किया जाता है। घर के तमाम मेंबर्स नाग देवता के चरण स्पर्श करके उनके द्वारा जो भी भूल हुई हो इस जन्म या किसी भी जन्म उसके लिए माफी मांगते हैं। जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं आज के दिन खेती का काम ना करें, क्योंकि कई जगह सांप का अस्तित्व मिट्टी से मिला हुआ है। आज के दिन यदि नाग की हत्या हो जाती है तो जन्मों जन्म का पाप लगता है। दूसरा, आज के दिन कोई भी नुकीली चीज का यूज बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन नुकीली चीजों का यूज करने से दोस्तों जबरदस्त पाप में पड़ते हैं आप। सुई का बिल्कुल भी यूज ना करें, तो सुई में धागा तक पिरोने की आज के दिन कोशिश ना करें। सुई से किसी जगह पर, कई लोग ऐसे, कितने ही ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ सुई से आज के दिन फल किए जाते हैं बैठे बैठे, ऐसा काम आज के दिन दोस्तों बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन लोहे की किसी भी चीज का, जैसे कि भोजन बनाने में लोहे की कढ़ाई का आज के दिन यूज ना करें। बाकी किसी भी चीज में यदि आप लोहा यूज कर रहे हैं तो लोहे से संबंधित कोई भी काम आज के दिन ना करें, वरना हमेशा आपके जीवन में कलह बनी रहेगी, दुख और तकलीफें कभी भी पीछा छोड़ करके नहीं जाएंगी। गलती से भी लोहे की चीज को, मतलब उसका यूज ना करें, जैसे सब्जी वगैरह कुछ भी बनानी है, लोहे की चीजों का दोस्तों गलती से भी यूज ना करें। दूसरा, आज के दिन पेड़ों में से हरी सब्जी है, फल है, इनको काटे नहीं, इसमें भी हथियार का यूज करना पड़ता है। सब्जी यूज करने में भी आप सावधानी रखें। फिर से बता दूं, लोहे की कढ़ाई में एक तो आप सब्जी ना बनाएं, और बिल्कुल जो हरी भरी सब्जी है जिसमें सांप या सांप के दूसरे प्रजाति जैसी भी जीवातें होती हैं, ऐसी किसी सब्जी को आज के दिन ना खाएं। छोटी छोटी सी चीजों का आज के दिन जरूर ध्यान रखें। पनिहारी में एक दीपक नाग देवता के नाम का जरूर जलाएं। तो छोटा सा काम है,
आज के दिन जरूर करें, छोटी छोटी सी सावधानियां आज के दिन जरूर रखें, उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।